ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड फाइन आर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ क्या लाई हूँ ये सबसे पहले बता देती हूँ। आज मैं आप लोग के साथ NTA UGC नेट के लिए कंप्यूटर से जो रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका फुल फॉर्म लाई हूँ, जैसे कि CD का फुल फॉर्म क्या होगा, CPU का फुल फॉर्म क्या होगा, माउस का फुल फॉर्म क्या होगा, DVD का फुल फॉर्म क्या होगा, ये सब। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि CPU का फुल फॉर्म क्या है, CPU के इंस्ट्रक्शंस कौन थे, CPU किनके द्वारा लाया गया और ये कैसे काम करता है, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें नोटिफिकेशंस अपने फ़ोन में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ये जो है कंप्यूटर का जो है ब्रेन होता है, यानी कि CPU को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। CPU इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट कैरीज आउट इंस्ट्रक्शंस एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड परफॉर्म ऑल द बेसिक अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेटिंग। यानी कि CPU का काम होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसे वो कैरीज आउट करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम CPU को अंदर होता है और साथ ही साथ जितने भी अरिथमेटिकल यानी कि अंकगणित और लॉजिकल ऑपरेटिंग जो होता है ये सब CPU के अंदर होता है। तो इसमें से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। CPU कैसे काम करता है, तो अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेटिंग के तरह काम करता है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। दूसरा है PC। तो PC का फुल फॉर्म सभी जानते हैं कि PC को हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, जैसे कि आपके पास अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप को हम PC भी बोलते हैं, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। और IBM PC, द फर्स्ट PC इज प्रोड्यूस्ड बाय IBM वॉज कॉल्ड द PC। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट जो है PC जब प्रोड्यूस्ड हुआ था, बनाया गया था, तो वो किसके द्वारा हुआ था, वो IBM के द्वारा हुआ था। और उसे क्या कहते हैं IBM को, तो उस IBM को हम PC कहते हैं। नेक्स्ट है माउस। तो माउस से आप लोग को क्वेश्चंस ऐसे हो सकता है कि पूछ दिया जाए कि M इज स्टैंड फॉर, मान लीजिए कि वहाँ पे आप लोग को दे दिया जाए मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट्स, ये इनका पूरा फुल फॉर्म है। माउस का फुल फॉर्म है मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट्स। यहाँ पे हो सकता है कि M किसके लिए स्टैंड करता है, व्हाट इज M इज स्टैंड फॉर व्हाट, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा अच्छे से। फिर माउस किस किस चीज़ के काम में आता था, तो द कंप्यूटर माउस इज एन इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने हमारे गोथ्रू फाइन आर्ट पे नहीं विजिट किए तो गोथ्रू फाइन आर्ट वाले पे प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ पे आपको व्हाट इज इनपुट डिवाइस एंड व्हाट इज आउटपुट डिवाइस, कौन कौन से डिवाइस इनपुट के डिवाइस के रूप में जाने जाते हैं और कौन कौन से डिवाइस आउटपुट डिवाइस के रूप में जाने जाते हैं, ये सब मैं आप लोग को बता दी हूँ। अभी हम बात करेंगे कि हाँ, तो यहाँ पे हो गया कि माउस भी जो है एक इनपुट डिवाइस है। तो याद रखिएगा, अगर आप लोग को पूछा जाए कि माउस कौन सी डिवाइस है, तो माउस इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है DVD। DVD से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेस डायल डिस्क। यहाँ पे भी बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज स्टैंड फॉर V, तो V का फुल फॉर्म क्या है, तो V का फुल फॉर्म आप लोग को वर्सेटाइल याद रखना है और वीडियो याद रखना है, इसी दो में से कोई आपको पूछा जाएगा। तो DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अब ये कैसे काम करता है, तो ये जो है एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट है और इसको इन्वेंट एंड डेवलप किसके द्वारा हुआ है, तो फिलिप्स एंड सोनी इन 1995 द्वारा DVD जो है डेवलप्ड और इन्वेंट किया गया है। तो याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया है DVD, तो फिलिप्स के द्वारा, और इसे डेवलप किसने किया है, तो सोनी ने डेवलप किया था 1995 में। DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैपटॉप, ये पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी मैं आप लोग बता दे रही हूँ, लैपटॉप का फुल फॉर्म जनरली पूछा नहीं जाता है। लैपटॉप का फुल फॉर्म होता है लाइट वेट एनालिटिकल प्लेटफॉर्म विथ टोटल ऑप्टिमाइज्ड पावर, ये पूछा नहीं जाएगा, बस मैं इंक्लूड करती हूँ। हाँ, बहुत बार CD के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो CD का फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क जो डाटा कंटेंस करता है। मान लीजिए आपके पास 5 MB, 6 MB, 7 MB कोई डाटा है, अगर आप
वो रखना है तो आप सीडी में उसे रख सकते हैं। यानी कि सीडी कैसे काम करता है, कोई भी डाटा को कंटेन करने के लिए काम करता है। डीवीडी क्या होता है, डीवीडी में आप ज़्यादा चीज़ें रख सकते हैं। अगर सीडी में आप 10 MB रख सकते हैं तो डीवीडी में आप 30 MB रख सकते हैं। बस यही अंतर है सीडी और डीवीडी में। और सीडी को जो है हम ये एक कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली विच इट्स शॉर्ट फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो आइए आगे हम और भी बात करते हैं सीडी के बारे में। तो सीडी जो है बता दिए कि डाटा कंटेन करते हैं। सीडी विच इज़ शॉर्ट फॉर विच कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो है सीडी को हम लोग रोम और रैम आप लोग पढ़े होंगे। तो रोम और रैम के अंतर्गत क्या आता है, तो रोम जो है आपका सीडी के अंतर्गत आता है और रैम क्या होता है ये भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हो गया, अब हम बात कर लेते हैं TFI के बारे में। TFI से बहुत बार पूछा गया। तो TFI का फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर इज द फुल फॉर्म ऑफ TFT। ये एक टाइप ऑफ LCD फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन है और इसका इट इज़ ऑल कॉल्ड सो बिकॉज इच पिक्सल इज कंट्रोल बाय ट्रांजिस्टर। ये सब पढ़ना जरूरी नहीं है, आप बस फुल फॉर्म याद रखिए कि टी किसके लिए स्टैंड करता है या एफ का फुल फॉर्म क्या है। जैसे कि पूछ दिया जाएगा कि TFT में एफ किसके लिए स्टैंड करता है या फिर एफ का फुल फॉर्म क्या है, तो एफ का फुल फॉर्म आप लोग को याद रखना है फिल्म होता है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर इज द फुल फॉर्म ऑफ द TFT। अब हम USB से तो आप लोग बहुत बार NTA UGC नेट में KVS NVS DSSB में क्वेश्चन देखे होंगे। तो USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। और यूनिवर्सल सीरियल बस इज एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डेवलप इन द मिड 1990s दैट डिफाइनिंग द केबल्स कनेक्टर्स एंड कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन ए बस फॉर कनेक्शन कम्युनिकेशन एंड पावर सप्लाई बिटवीन कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। यानी कि USB किस लिए यूज होता है कि अगर आप यूनिवर्सल सीरियल बस के बारे में बात किया जा रहा है, ये कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच जो है पावर सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और यह जो है कंप्यूटर में डाटा प्रोड्यूसन के काम में आते हैं। कंप्यूटर ऑन विच डाटा हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड। इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। आईफोन जो है इन 1998 में आई इन मैक स्टूड फॉर इंटरनेट बिसाइड्स इंटरनेट एप्पल्स प्रीफिक्स ऑल्सो स्टूड फॉर इंडिविजुअल इंस्ट्रक्ट इनफॉर्म एंड इंस्पायर। तो देखिए आईफोन में यहाँ पे हम ये जान रहे हैं कि 1998 में आईफोन आया था और आई में जो है आई को हम आई मैक के नाम से भी जानते हैं और ये इंटरनेट बिसाइड इंटरनेट के लिए स्टूड करता है। एप्पल जो है प्रीफिक्स है जो स्टूड करता है इंडिविजुअल इंस्ट्रक्ट इन्फॉर्म एंड इंस्पायर के लिए। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। VCD बहुत इंपॉर्टेंट है। VCD का फुल फॉर्म होता है वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। जैसे कि DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, उसी तरह से VCD का फुल फॉर्म होता है वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। ये भी जो है एक फॉर्मेट होता है जिसमें कि हम CD-ROM एक्सेस दैट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू होल्ड MPEG-1 वीडियो डाटा एंड टू इंक्लूड। यानी कि VCD में हम क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, VCD में हम MPEG-1 को कंटेन कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द शेयर करूँगी फुल फॉर्म के बारे में। जैसे कि अभी हमने रोम के बारे में बात की है कि रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, उसी तरह से रैम बोल के होता है और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर फुल फॉर्म बता दे रहे हैं, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे और भी बहुत सारे फुल फॉर्म है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। और जिसने भी अभी तक मेरे YouTube चैनल को A to Z फाइन आर्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ये चैनल जो है कम्प्लीटली आप लोग को NTA UGC नेट के पेपर 1 की ही वीडियो प्रोवाइड करेगी, इसमें और भी कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड हैव ए नाइस डे।